डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रदीप चौधरी, लेक्चरर फिजिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज चित्तौड़गढ़। आज हम अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट, सब्जेक्ट कोड 1002 की यूनिट नंबर 4, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के टॉपिक नंबर 4.1 की बात कर रहे हैं, जिसमें हम स्ट्रेस, स्ट्रेन एवं हुक के नियम को डिस्कस करेंगे। अर्थात हम इलास्टिसिटी के बारे में बात करेंगे, प्रत्यास्थता के बारे में बात करेंगे, और प्रत्यास्थता के साथ साथ हम विकृति, प्रतिबल और हुक के नियम को भी अपन देखेंगे। प्रत्यास्थता, प्रत्यास्थता क्या है ये हम सबसे पहले समझें। यदि हम किसी वस्तु पर बाहरी बल लगाते हैं तो बल के कारण वस्तु के आकार या आकृति या दोनों परिवर्तित हो जाती हैं। हम यह कहते हैं कि वस्तु विकृत हो गई है, अर्थात वस्तु के साइज एंड शेप में जो है डिफॉर्मेशन है वो आ गया है। यह तब तक हो जब तक कि बल अपन ने लगा रखा है। जैसे ही अपन बल हटाएं वस्तु पर से, तो यदि वस्तु पुनः अपने प्रारंभिक आकार एवं आकृति को पूर्ण रूप से ग्रहण कर ले, तो हम यह कहते हैं कि यह वस्तु प्रत्यास्थ वस्तु है, और वस्तु का यह गुण प्रत्यास्थता है। हम यह कहेंगे कि प्रत्यास्थता वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तु पर से बाहरी बल हटा लेने पर वस्तु अपने प्रारंभिक आकार एवं आकृति को पूर्ण रूप से ग्रहण कर लेती है। इलास्टिसिटी इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाई वर्च्यू ऑफ विच ऑब्जेक्ट regain its original size and shape completely on the removal of external force. External force को remove करेंगे तो जो भी deformation आया था object पे, चाहे वो size में हो, shape में हो, तो जो deforming force है, जो applied force है, उसको remove करने पर वापस से object अपनी original size and shape में आ जाए। तो ऐसी जो property है object की, वह तो कहलाएगी elasticity, and जो ऑब्जेक्ट है वो कहलाएगी इलास्टिक ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से प्रत्यास्थता की बात अपन कर सकते हैं। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, इलास्टिसिटी इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ विच ऑब्जेक्ट रीगेन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप ऑन रिमूवल ऑफ द अप्लाइड फोर्स। यदि वस्तु पर बाहरी बल हमने लगाया, वस्तु की आकार एवं आकृति परिवर्तित हुई, वस्तु को बाहरी बल हटा लेने पर यदि वस्तु अपनी पूर्व अवस्था में पूर्णतया आ गई, तो हम ये कहते हैं कि ये वस्तु प्रत्यास्थ वस्तु है। लेकिन यदि बाहरी बल हटा लेने पर वस्तु अपनी पूर्व अवस्था में वापस नहीं लौटती है, तो हम ये कहेंगे कि ऐसी वस्तु जो है वह प्लास्टिक वस्तु है। इट इज एन प्लास्टिक ऑब्जेक्ट। मीन्स प्लास्टिसिटी क्या होगी? प्लास्टिसिटी इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ विच ऑब्जेक्ट डज नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप ऑन रिमूवल ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स। जो डिफॉर्मिंग फोर्स है उसको हमने रिमूव किया, ऑब्जेक्ट वापस से अपने ओरिजिनल साइज एंड शेप में लौट के नहीं आता है, तो हम ये कहते हैं कि ऐसी ऑब्जेक्ट जो है वो प्लास्टिक ऑब्जेक्ट कहलाएगी, और जो प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट की वो कहलाएगी प्लास्टिसिटी। नेचर में ऐसा कोई भी सब्सटेंस नहीं है जिसको हम ये कह सके कि ये पूर्णतया इलास्टिक है, कंप्लीटली इलास्टिक हो, ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट नेचर में नहीं होता है। अब हम बात करेंगे विकृति की, स्ट्रेन। वस्तु पर बाहरी बल लगाया हमने, वस्तु के आकार या आकृति में परिवर्तन हुआ। अब इस परिवर्तन को गणितीय राशि विकृति से हम व्यक्त करते हैं। हम यह कहेंगे कि बाहरी बल के कारण वस्तु के आकार यह आकृति में हुआ अनुपातिक परिवर्तन विकृति कहलाती है। जो प्रोपोर्शनल चेंज है ऑब्जेक्ट की साइज एंड शेप में ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, ये कहलाती है स्ट्रेन। स्ट्रेन डायमेंशन लेस होगी, यूनिट लेस होगी। हम ये कहेंगे कि विकृति अर्थात स्ट्रेन का विमी सूत्र m0 l0 t0 होगा, और विकृति या स्ट्रेन का कोई मात्रक नहीं होगा, इट विल हैव नो यूनिट। स्ट्रेन को हम
मैथमेटिकली भी इस प्रकार से शो कर सकते हैं, स्ट्रेन को मैथमेटिकली इस प्रकार से शो कर सकते हैं, हमने लिखा प्रोपोर्शनेट चेंज। हम यहाँ पर यह भी कह सकते हैं कि बाहरी बल के कारण वस्तु के आकार में हुआ परिवर्तन और वस्तु का प्रारंभिक आकार का अनुपात विकृति कहलाती है। अभी हमने आकार क्या होगा ये स्पेसिफाई नहीं किया है, तो मेरा ये कहना है कि आकार में परिवर्तन और प्रारंभिक आकार का अनुपात यह विकृति कहलाएगा। अब आकार में परिवर्तन उसी मात्रक में नापा जाएगा जिस मात्रक में प्रारंभिक आकार है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आकार में परिवर्तन और प्रारंभिक आकार का मात्रक सेम होगा, इसलिए विकृति, क्योंकि अनुपात है इन दोनों का इसलिए उसका कोई मात्रक नहीं होगा, इट विल हैव नो यूनिट। हम ये कहेंगे विकृति विमाहीन है, डायमेंशन लेस है एंड यूनिट लेस है, मात्रकहीन है। विकृति के प्रकार, महत्वपूर्ण प्रकार यहाँ पर हमने स्पेसिफाई किए हैं, लॉन्गिट्यूडनल एंड लेटरल स्ट्रेन, अनुदैर्ध्य एवं अनुप्रस्थ विकृति, आयतन विकृति, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, अपरूपण विकृति, शीयर स्ट्रेन। वन बाय वन हम इनको समझें। सबसे पहले बात करते हैं अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य विकृति की। लॉन्गिट्यूडनल अर्थात अनुदैर्ध्य विकृति, लेटरल अनुप्रस्थ विकृति। अनुदैर्ध्य विकृति क्या होती है वो देखिए, बल के कारण बल की दिशा में ही लंबाई में हुआ परिवर्तन एवं प्रारंभिक लंबाई का अनुपात अनुदैर्ध्य विकृति कहलाती है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स की डायरेक्शन में ही जो लेंथ में चेंज हुआ है और जो ओरिजिनल लेंथ है उन दोनों का रेशियो जो है वह लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा, अनुदैर्ध्य विकृति होगी। जबकि अनुप्रस्थ विकृति में हम जो भी लंबाई लेंगे वह बल की दिशा के लंबवत दिशा में लेंगे। अनुप्रस्थ विकृति की परिभाषा देख सकते हैं, बल के कारण जो भी बाहरी बल अपने लगाया है उसके कारण बल की दिशा के लंबवत दिशा में लंबाई में हुआ परिवर्तन एवं उसी दिशा में प्रारंभिक लंबाई का अनुपात जो है वह अनुप्रस्थ विकृति अर्थात लेटरल स्ट्रेन कहलाती है। लेटरल स्ट्रेन इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो भी लेंथ है उसमें चेंज और वो जो ओरिजिनल लेंथ है उन दोनों का जो रेशियो होगा दैट विल बी लेटरल स्ट्रेन। तो यहाँ पर दोनों में अंतर देख सकते हैं, अनुदैर्ध्य विकृति और अनुप्रस्थ विकृति दोनों में आप अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। अनुदैर्ध्य विकृति में जहाँ पर हम बल की दिशा के अनुरूप ही लंबाई में परिवर्तन और प्रारंभिक लंबाई की बात कर रहे हैं, वहीं अनुप्रस्थ विकृति अर्थात लेटरल स्ट्रेन में हम बल की दिशा के लंबवत दिशा में लंबाई में परिवर्तन और प्रारंभिक लंबाई की बात करते हैं। तो इस प्रकार से दोनों में अंतर आप देख सकते हैं, जहां अनुदैर्ध्य विकृति में बल की दिशा में लंबाई में परिवर्तन कंसीडर करेंगे वहीं पर अनुप्रस्थ विकृति में बल की दिशा के लंबवत दिशा में लंबाई में परिवर्तन अपन लेंगे। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का फॉर्मूला यहाँ पर दिया हुआ है, यदि ऑब्जेक्ट की लेंथ एल हो उसमें चेंज डेल्टा एल हो फोर्स की वजह से तो यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या रहेगा, डेल्टा एल अपॉन एल। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, बल की दिशा में लंबाई में परिवर्तन और प्रारंभिक लंबाई तो डेल्टा एल अपॉन एल। इसी प्रकार से लेटरल स्ट्रेन ले ले, यदि मैं ये कह दूँ कि जो तार मैंने लिया है उस तार पर लेंथ की डायरेक्शन में फोर्स लगाया है तो लेंथ की डायरेक्शन में फोर्स लगाने पर जो लेंथ में चेंज होगा उसकी वजह से जो स्ट्रेन आएगा वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन अर्थात अनुदैर्ध्य विकृति कहलाएगी। और लेंथ में ही अब यहाँ पर हम बात करते हैं फोर्स की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, फोर्स लगाने से फोर्स की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो लेंथ में चेंज होगा उससे जो स्ट्रेन डेवलप होगा दैट विल बी लेटरल स्ट्रेन, वह आपकी अनुप्रस्थ विकृति होगी। तो जैसे हमने तार लिया, तार की लंबाई की दिशा में बल लगाया तो उसकी लंब दिशा में जो उसका डायमेंशन होगा वह होगा उसका व्यास या त्रिज्या। तो यहाँ पर अपन कह दें कि बल लगाने से बल लगाया किस दिशा में, बल हमने लंबाई की दिशा में लगाया तार की तो उसके लंब दिशा में कौन सा आकार हो जाएगा उसका, उसका व्यास या त्रिज्या, डायमीटर या रेडियस। तो डायमीटर या रेडियस में जो चेंज हो रहा है
वो और ओरिजिनल डायमीटर या रेडियस जो है, इन दोनों का रेशियो जो है वह लेटरल स्ट्रेन होगा, अनुप्रस्थ विकृति होगी। अगेन अनुप्रस्थ विकृति की बात कर रहा हूँ मैं लेटरल स्ट्रेन की, तो चेंज इन रेडियस और ओरिजिनल रेडियस, या चेंज इन डायमीटर और ओरिजिनल डायमीटर, या ये ध्यान रखेंगे कि हमने फोर्स लेंथ की डायरेक्शन में लगाया है, इसलिए डायमीटर या रेडियस में जो चेंज होगा उससे जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा दैट विल बी लेटरल स्ट्रेन। तो इस प्रकार से दोनों स्ट्रेन को अपन यहाँ पर देख लिया। अब आयतन विकृति की बात करते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। आयतन विकृति बाह्य बल के कारण वस्तु के आयतन में हुआ परिवर्तन और वस्तु के प्रारंभिक आयतन के अनुपात को हम आयतन विकृति कहते हैं। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम टू ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। अब यहां पर हमें कह लें कि आयतन विकृति का सूत्र क्या रहेगा, तो आयतन विकृति बराबर होगा वस्तु के आयतन में हुआ परिवर्तन अपॉन वस्तु का प्रारंभिक आयतन। तो अगेन यहां पर आयतन में हुआ परिवर्तन किस में नापा जाएगा, एसआई में, मीटर क्यूब में, और प्रारंभिक आयतन भी मीटर क्यूब में होगा। इस प्रकार से आयतन विकृति का सूत्र जो है वो आपके पास स्पष्ट है और यह विमाहीन और मात्रकहीन होगी, क्योंकि दो समान प्रकार की राशियों का अनुपात है। अब हम बात करते हैं, ये देखिए फोर्स डायरेक्शन आपको बताई गई है, ये आयतन विकृति के लिए चित्र है समझने के लिए। ये फोर्स हमने लगाया है, देखिए आप, ये फोर्स इधर से, ये फोर्स, ये इधर से, ये फोर्स लगाया, इसके अपोजिट ये फोर्स। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऐसे जो फोर्सेज यहाँ पर लगे हैं जिससे ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कम होगा। पहले इनिशियल वॉल्यूम कितना है, V1, फाइनल वॉल्यूम कितना है, V2, चेंज इन वॉल्यूम कितना हो जाएगा, V1 - V2। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालना है तो चेंज इन वॉल्यूम और ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम V1 - V2, ओरिजिनल वॉल्यूम V1, तो ये जाएगा V1 - V2 / V1। इस प्रकार से हम आयतन विकृति को चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपरूपण विकृति, शियर स्ट्रेन की। जब किसी वस्तु पर उसकी सतह के लंबवत, सॉरी सतह के समानांतर विरूपक बल अर्थात डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया जाए, जो ऑब्जेक्ट है उसकी सरफेस के पैरेलल, अगर कोई डिफॉर्मिंग फोर्स हम लगाते हैं तो उससे ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम तो कॉन्स्टेंट रहता है लेकिन उसकी शेप चेंज हो जाती है, उसकी आकृति में परिवर्तन हो जाता है, और इस प्रकार से जो विकृति उत्पन्न होती है उसे अपन अपरूपण विकृति अर्थात शियर स्ट्रेन कहते हैं। शियर स्ट्रेन के केस में ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा, जो भी चेंज होगा दैट विल बी इन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे, और इसके अनुसार जो स्ट्रेन आएगा उसको अपन शियर स्ट्रेन या अपरूपण विकृति कहेंगे। ये चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं, ये अपरूपण विकृति के लिए चित्र है आपके पास, ये क्यूब है, इस क्यूब का जो ओरिजिनल वॉल्यूम है दैट इज वी, फोर्स हमने लगाया है, ये देखिए आप, इस सरफेस के लिए फोर्स इधर लगाया इस प्रकार से और इसके लिए इधर। अब यहाँ पर ये देखिए, ये फोर्स की फोर्स है आपके पास, इस फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट की साइज एंड शेप चेंज हो रही है। यहाँ पर आप देखें, पहले ये आपका क्यूबिकल ऑब्जेक्ट था और बाद में ये क्यूबॉइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फोर्स लगाया जिससे यहाँ पर जो साइज है उसमें चेंज आया डेल्टा एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर अपन बात कर सकते हैं, ये सरफेस A0 है, फोर्स लगाने से क्या होगा कि वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा, जो भी चेंज होगा वह उसकी शेप में होगा। तो ये शियर स्ट्रेन यहाँ से अपन समझ सकते हैं, इसको आप आगे परिभाषित भी करें हम, ठीक है। अपरूपण विकृति वस्तु के स्थिर तल के लंबवत पृष्ठ के विचलन कोण से दर्शाया जाएगा। यहाँ पर आप देखिए, ये ऑब्जेक्ट की जिसे अपन ने इस सरफेस के पैरेलल फोर्स लगाया है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है उस पर अपन देखें ये थोड़ा सा टिल्ट हो गया है, फेस जो है क्यूब का, जो घन का फलक है, इस फलक को अपन ले लें, ये फलक थोड़ा सा झुक गया है, ये पॉइंट यहाँ आ गया है जबकि ये पॉइंट यहाँ आ गया है। इस प्रकार से फेस जो था हमारा, जो कि पहले पैरेललोग्राम के रूप में था, अब थोड़ा सी चेंज हुई है, अब ये आपका जो है नया फेस होगा। अब यहाँ पर ये देख सकते हैं कि यह जो फेस है, ओरिजिनल फेस जो था क्यूब का, यह कुछ एंगल अर्थात थीटा एंगल जो है उससे झुक गया है,
जो ओरिजिनल अपना ऑब्जेक्ट था, ये जो है यहाँ पर ये एक डेफिनेट एंगल थीटा से झुका है, और इस थीटा का मान निकाल सकते हैं, टेंजेंट थीटा निकाल लीजिए, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, टेंजेंट थीटा हो जाएगा डेल्टा एक्स अपन ये साइज, ठीक है। तो इस प्रकार से डेल्टा एक्स अपन एच अपन ले सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से अपरूपण विकृति अपन यहाँ पर शो कर सकते हैं। अगेन ये भी डायमेंशन लेस होगी, क्यों? क्योंकि डेल्टा एक्स का जो डायमेंशन है वही डायमेंशन एच का भी रहेगा। अब हम बात कर सकते हैं प्रतिबल की। साम्यावस्था में विकृति के कारण पदार्थ के इकाई क्षेत्रफल पर उत्पन्न होने वाला आंतरिक प्रतिक्रियात्मक बल प्रतिबल कहलाता है। स्ट्रेस इज डिफाइंड एज आई से रिस्टोरिंग फोर्स और इंटरनल रिएक्टिव फोर्स प्रोड्यूस्ड ऑन यूनिट एरिया ऑफ द सब्सटेंस इन पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। साम्यावस्था में विकृति के कारण पदार्थ के इकाई क्षेत्रफल पर अर्थात 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर जितना इंटरनल रिएक्टिव फोर्स आंतरिक प्रतिक्रियात्मक बल या जिसे हम प्रत्यानयन बल भी करते हैं रिस्टोरिंग फोर्स, तो वह आपकी प्रतिबल कहलाएगी। शॉर्ट में हम कहें तो प्रतिबल क्या होगी? प्रत्यानयन बल अपॉन क्षेत्रफल, क्योंकि प्रत्यानयन बल का मान समय के साथ साथ चेंज होगा। शुरुआत में प्रत्यानयन बल शून्य है क्योंकि भारी बल भी शून्य है। जैसे जैसे भारी बल बढ़ाएंगे तो आप ये देखेंगे कि जो प्रत्यानयन बल का मान है वह भी परिवर्तित होता जाता है, बढ़ता जाता है, ठीक है। और एक स्थिति ऐसी आएगी जब जो आपका आंतरिक प्रतिक्रियात्मक बल है यह जो है बल बढ़ता हुआ जो है एक अधिकतम मान पर आ जाएगा, और वह मान भारी बल के बराबर होगा। तो यहां पर हम प्रतिबल को परिभाषित कर रहे हैं। साम्यावस्था में विकृति के कारण पदार्थ के इकाई क्षेत्रफल पर उत्पन्न होने वाला आंतरिक प्रतिक्रियात्मक बल या प्रत्यानयन बल प्रतिबल कहलाता है। यहाँ पर ये ध्यान रखें, सबसे पहले अपन ने भारी बल लगाया, भारी बल लगाने के कारण वस्तु के आकार में परिवर्तन हुआ, वस्तु में विकृति उत्पन्न हुई, जिसके कारण वस्तु अपने में उत्पन्न होने वाली विकृति का विरोध करती है। उसमें ऑटोमेटिक इंटरनल रिएक्टिव फोर्स या रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होते हैं। शुरुआत में इनका मान कम होता है, जैसे जैसे विकृति बढ़ती जाती है तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि विकृति के कारण इस प्रत्यानयन बल का मान धीरे धीरे बढ़ता जाता है। और एक स्थिति ऐसी आती है जहाँ पर यह प्रत्यानयन बल अर्थात रिस्टोरिंग फोर्स जो है वह भारी बल के बराबर हो जाता है। जब ऐसा हो जाएगा तब आगे और विकृति उत्पन्न उस पदार्थ में नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उस समय ये दोनों बल प्रत्यानयन बल रिस्टोरिंग फोर्स तथा अप्लाइड फोर्स अर्थात भारी बल ये दोनों बल परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत हो जाएंगे, तो पदार्थ पर लगने वाला परिणामी बल शून्य हो जाएगा। ऐसी स्थिति में अब वस्तु में आकार में और अधिक परिवर्तन नहीं होगा। तो इस प्रकार से प्रत्यानयन बल को हम परिभाषित कर सकते हैं। प्रत्यानयन बल जो है वह रिस्टोरिंग फोर्स है, अर्थात ऑब्जेक्ट को रिस्टोर करने वाला बल है। ऑब्जेक्ट की साइज एंड शेप में जो चेंज आ रहा है उसको वापस से ओरिजिनल साइज में लेके आने वाला फोर्स है। अब यहाँ पर प्रतिबल के लिए बात करें तो वास्तव में तो प्रत्यानयन बल प्रति इकाई क्षेत्रफल, लेकिन साम्यावस्था की स्थिति में प्रत्यानयन बल और भारी बल बराबर है, तो ये हो जाएगा प्रतिबल बराबर एफ अपॉन है अर्थात भारी बल अपॉन क्षेत्रफल। प्रतिबल का मात्रक देख सकते हैं आप, क्योंकि प्रतिबल में एक तो बल आ रहा है, बल का मात्रक न्यूटन, क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर, तो जगह न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ये उसका ऐसा ही मात्रक होगा। जबकि विमीय सूत्र की बात करें तो बल का विमीय सूत्र है m1 L1 t-2, क्षेत्रफल का L2, तो इस प्रकार से जगह m1 L1 t-2 अपॉन L2 बराबर m1 L-1 t-2। तो इस प्रकार से ये दोनों चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्ट्रेस का डायमेंशन फॉर्मूला और स्ट्रेस का SI यूनिट, ठीक। अब हम बात करते हैं इलास्टिक लिमिट की, प्रत्यास्थता सीमा। प्रत्यास्थता सीमा वह अधिकतम प्रतिबल है जिसके द्वारा वस्तु पर से बाहरी बल हटा लेने पर भी वस्तु अपनी पूर्ण प्रारंभिक अवस्था में लौट आती है। यहाँ पर हम गए, इसको एक एग्जाम्पल से पर अच्छे ढंग से समझ सकते हैं।
हमने किसी वस्तु पर बल लगाया, बल को हटाया, बल को हटाने पर वस्तु वापस से अपनी ओरिजिनल साइज शेप में आ गई। इसका मतलब वस्तु अभी प्रत्यास्था के गुण को प्रदर्शित कर रही। अब की बार हमने बल का मान बढ़ा दिया और उसे लगाया, अधिक ज़्यादा बल को लगाया अब की बार वस्तु पर, फिर बल को हटाया तो क्या बात है, ये वस्तु वापस से अपनी ओरिजिनल साइज शेप में आ जाती है। फिर बल को और बढ़ाएंगे तो इस प्रकार से हम एक स्थिति ऐसी लेकर के आ जाएंगे जहां पर उस बल को बढ़ाने पर और फिर बढ़ाए हुए बल को लगा करके उसे हटाने पर वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में पूर्णतया वापस नहीं आ रही है। तो हम यह कहेंगे कि इसका मतलब यह हुआ कि अब वस्तु ने प्रत्यास्था का गुण खो दिया है। इसका मतलब यह हुआ कि इससे थोड़ा सा कम बल था तब वस्तु प्रत्यास्था के गुण को प्रदर्शित कर रही थी। तो यहां पर अपन वही बात कर रहे हैं, प्रत्यास्था सीमा वह अधिकतम प्रतिबल, बल नहीं, वह अधिकतम प्रतिबल, दैट मैक्सिमम स्ट्रेस ड्यू टू विच ऑब्जेक्ट अगेन कम्स इन ओरिजिनल साइज एंड शेप ऑन रिमूवल ऑफ फोर्स। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखें वह अधिकतम प्रतिबल है जहां तक वस्तु प्रत्यास्था के गुण को प्रदर्शित करती है। इलास्टिक लिमिट इज दैट मैक्सिमम स्ट्रेस अप टू विच द ऑब्जेक्ट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम प्रत्यास्था सीमा के अंदर अंदर बल लगा रहे हैं वस्तु पर तो ऐसी स्थिति में वस्तु प्रत्यास्था का गुण प्रदर्शित करेगी, लेकिन अगर उस सीमा से बाहर, उस लिमिट से बाहर चले जाएंगे हम, तो वस्तु प्रत्यास्था के गुण को खो देती है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि यदि वस्तु पर जो बल लगाया है उससे जो इलास्टिक लिमिट है हमारी, जो मैक्सिमम स्ट्रेस जो आ रहा है वह इलास्टिक लिमिट है हमारी, हम ये कहेंगे कि यहाँ पर जो वस्तु पर बल लगाया है उससे जो प्रतिबल बन रहा है वह अगर इलास्टिक लिमिट के अंदर है तब तो वस्तु प्रत्यास्थ है, लेकिन अगर वह अधिकतम प्रतिबल जो है जो इलास्टिक लिमिट के बाहर अगर हो गया है जो, तो ऐसी स्थिति में वस्तु जो है प्रत्यास्थ के गुण को खो देगी। तो यहाँ पर बहुत संक्षेप में गए, इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा अगर हम बाहर चले जाएंगे, अगर ऐसा बल लगा रहे हैं कि जिससे जो स्ट्रेस बन रहा है वह इलास्टिक लिमिट के ज़्यादा है, तो ऐसी स्थिति में वस्तु प्रत्यास्था के गुण को खो देगी। हाँ, हुक का नियम, हुक का नियम आप बहुत देख सकते हैं आसानी से, प्रत्यास्था सीमा के अंदर प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस प्रतिबल, स्ट्रेन विकृति। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रतिबल समानुपाती है विकृति के, लेकिन ये ध्यान रखेंगे ऐसा तभी होगा जबकि बल जो वस्तु पर लगाया जा रहा है वह इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर हो। प्रतिबल ये समानुपाती का चिन्ह है, इसको बराबर के चिन्ह में कन्वर्ट किया तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अर्थात जो समानुपाती स्थिरांक है वो हमने लगा दिया, तो प्रतिबल बराबर हो जाएगा E इंटू विकृति। E क्या है? प्रत्यास्था गुणांक है, कोफिशियंट ऑफ इलास्टिसिटी। तो प्रतिबल बराबर E इंटू विकृति, प्रत्यास्था गुणांक इंटू विकृति। ये E जो है यहाँ पर कोफिशियंट ऑफ इलास्टिसिटी है। अगले लेक्चर में इस कोफिशियंट ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में हम बात करेंगे। अब यहाँ पर हम देखें कि क्योंकि प्रत्यास्था सीमा के अंदर है हम, तो प्रतिबल विकृति के समानुपाती है, अतः प्रतिबल और विकृति में ग्राफ जो है यहाँ पर वह सरल रेखा होगी जब तक हम प्रत्यास्था सीमा के अंदर हैं। प्रत्यास्था सीमा से बाहर जाने पर यह जो ग्राफ है ये स्ट्रेट लाइन पोर्शन से डेविएट हो जाएगा, ऐसा हम आगे के लेक्चर में और भी देखेंगे। लेकिन यहाँ पर हुक के नियम की जब बात कर रहे हैं तब तो हम ये कहेंगे कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट, प्रत्यास्था सीमा के अंदर प्रतिबल विकृति के समानुपाती है, प्रतिबल और विकृति में ग्राफ इस समय सरल रेखा रहेगी। तो इस प्रकार से अब हुक के नियम को यहाँ पर समझ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।